Assalamu alaikum, sirs. I am Rahil Ahmed and welcome you all on Online.99. Sirs, aaj hum jis topic par baat karenge, that is a very much important topic, kafi zyada important topic hai, aur iske baad jo do topic aa rahe hain wo isi topic se related honge. Theek hai, is topic ko aksar dafa student samajhne mein thoda confused rehte hain, lekin hamari koshish ye hogi ki is topic ko achhi tarah se understand kiya jaye, इसकी जो बेसिक्स हैं उसको अच्छी तरह से डेवलप किया जाए और उसको अंडरस्टैंड किया जाए. आज हम बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की. एक्टिवेशन एनर्जी, हमने केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर स्टार्ट किया, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक जो रिक्वायर्ड थे उनको हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और इसके बाद फिर हम जो रिएक्शंस थ्योरीज हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली देखें, आपने अक्सर औकात घरों में देखा होगा कि आप अपना जो बर्नर है उसको ऑन कर दें, वहाँ से गैस आ रही हो लेकिन बर्निंग स्टार्ट नहीं होती, खुद ब खुद बर्निंग स्टार्ट नहीं होती है. ठीक है, लेकिन अब आप एक दफ़ा उसको स्टार्ट कर देते हैं, लाइटर से उसको स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो कंटिन्यू रहता है जब तक आप उसको दोबारा से ऑफ नहीं करेंगे. इन सिमिलर मैनर आप देखें, आपके घरों में या हमारे घरों में कैंडल पड़ी रहती है, कई अरसे तक वो पड़ी रहे लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं होना. ठीक है, उसने बर्निंग स्टार्ट नहीं करनी, लेकिन जैसे ही हम उसे माचिस की तीली से या लाइटर से एक दफ़ा स्टार्ट करवा देते हैं तो फिर वो रिएक्शन कंटिन्यू हो जाता है. ठीक है, तो ये इनके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है, उसको हम यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट से समझेंगे. देखिए, सिंपल सी बात लें कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसके साथ दूसरी चीज़ पढ़ी थी मॉलिक्यूलरिटी. इस बात को ज़रा हम यहाँ पर ले कर चलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. अब मॉलिक्यूलरिटी का सिंपल मतलब हमने ये कहा था कि एक रिएक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, टू रिएक्टेंट हैं, थ्री हैं, फोर हैं, वो सारे के सारे रिएक्टेंट जो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उनके नंबर्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी. तो ये किसी भी रिएक्शन की नोन होती है, मालूम होती है. इस मॉलिक्यूलरिटी को लेकर किसी भी रिएक्शन में कि जब मॉलिक्यूल्स आएंगे रिएक्ट करने के लिए आएंगे, वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे. अब मॉलिक्यूलरिटी को लेकर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को यूज करके हम मॉलिक्यूल्स का, रिएक्टेंट का कोलिजन फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन फाइंड कर सकते हैं. लेकिन इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि जो हम मॉलिक्यूलरिटी को लेकर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को यूज करके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कोलिजन देखते हैं उसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है इसके मुकाबले में कि जितने रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं. ये बात थोड़ी सी मुश्किल हो गई होगी आप लोगों के लिए कि सिंपल ये समझिए कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कोलाइड होना ज़रूरी है. ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि कोलिजन जितना होगा उतना उसको कन्वर्ट होना चाहिए किस में, प्रोडक्ट में. लेकिन ये बात एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई है कि जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हो रहा होता है उससे ऑलमोस्ट 10 टाइम लेस नंबर ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में. अब ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या ये जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं, तो जब ही इनको देखा गया, जब इनको ऑब्जर्व किया गया, तो ये बात ऑब्जर्व हुई कि बाकी मॉलिक्यूल के मुकाबले में ये जो थोड़े से मॉलिक्यूल है इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है. बाकी मॉलिक्यूल के मुकाबले में जो मॉलिक्यूल, जो रिएक्टेंट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उनकी एनर्जी बाकियों से क्या होती है, हाई होती है. इट्स मीन इन ऑर्डर टू कैरी आउट रिएक्शन, कि रिएक्टेंट का
रिएक्शन को कैरी ऑन करके या कैरी आउट करके प्रोडक्ट बनाना, इसके लिए उन्हें बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एंड दैट हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, या आप इसको यूं भी कहेंगे कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी रिएक्टेंट को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसको हम डिटेल में बात करेंगे, पहले आप इसकी डेफिनेशन को आप ध्यान में रख लें। इसको हम कहते हैं मिनिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। और याद रखना है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। इसको थोड़ा सा इस तरह से समझिए, देखिए हमें ये पता है कि जब भी एक रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन के दौरान क्या होना है, रिएक्टेंट ने चेंज होकर क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। अब रिएक्शन के दौरान जो पहले से मौजूद बॉन्ड हैं, रिएक्टेंट के जो बॉन्ड हैं, उन बॉन्ड्स ने ब्रेक होना है। देखें फॉर एग्जांपल, इसको यूं समझिए, हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए ए, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बना है, हम इन्हें रिएक्ट करवाते हैं एक और रिएक्टेंट है बी। ठीक है, अब देखो इनके बीच में पहले से ये बॉन्ड मौजूद है, इनके बीच में पहले से ये बॉन्ड मौजूद है, इनका रिएक्शन होगा, रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बनना है, इसका बॉन्ड बी के साथ और इसका बॉन्ड भी बी के साथ। अब रिएक्शन के रिजल्ट में क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ और इनका बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड कभी भी खुद ब खुद ब्रेक नहीं होता, अब दो के ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर लेंगे, लेकिन इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब जब हम इन्हें वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये रिएक्टेंट वाले लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं कि ये क्या बन गया है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, एक्टिवेटेड स्टेट में चला गया। अब इसको यूं समझिए, देखिए ये फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं ये दो कोई से मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसी तरह से ये, अब रिएक्शन से पहले ये क्या है, लो एनर्जी लेवल पे। अब जब इन्हें एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी तो क्या होगा कि ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, ये भी एक्टिवेट। अब शॉर्ट टाइम के लिए क्या होगा, इनके बीच में एक एक्टिवेटेड स्टेट बन जाएगी, दैट एक्टिवेटेड स्टेट इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आर ट्रांजिशन स्टेट। के वेरी शॉर्ट टाइम के लिए जब हम उनकी एनर्जी ज्यादा करेंगे तो वो मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक्टिवेटेड फॉर्म में चले जाएंगे, एक्टिवेटेड स्टेट में चले जाएंगे, और उस एक्टिवेटेड स्टेट को क्या कहा जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद वो क्या होंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो आई होप यहां तक ये बात आपको क्लियर होगी होगी कि किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट में जब हम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। इसको यूं भी लीजिए, देखिए आपने ये पढ़ा था कि जो फ्यूल या घरों में जो अमूमन बर्निंग वाला रिएक्शन यूज होता है वो क्या है, फ्यूल गैस, जो आप चूल्हा ऑन करते हैं वहां से जो गैस आती है दैट इज सी एच फोर, ठीक है, और सराउंडिंग से उसको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। अब देखो ये दोनों चीजें तो वैसे भी मिल सकती हैं, लेकिन बर्निंग स्टार्ट नहीं होती, बर्निंग तब होती है जब आप एक दफा से इग्नाइट करते हो, एक दफा से रिएक्शन को स्टार्ट करते हो। तो इसका मतलब है कि एक दफा इसको हमें स्टार्ट में एक थोड़ी सी अमाउंट एनर्जी की देनी पड़ेगी,
जब हम उसे वो दे लेंगे उसके बाद रिएक्शन कंटिन्यू हो जाएगा। जब तक हम किसी एक चीज की सप्लाई को खत्म नहीं करेंगे, या तो हम ऑक्सीजन को खत्म कर दें या हम जो फ्यूल आ रहा है, जो गैस आ रही है उसको खत्म कर दें, तो फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो इट्स मीन कि रिएक्शन को हमेशा एक्टिवेट किया जाता है, उसको स्टार्ट में थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, फिर उसके बाद वो रिएक्शन कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको और समझेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। देखिए, आप ये देखें कि लेट्स सपोज कि इस तरफ, इस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ती है, यूं एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, देखिए हमने कहा था कि जो रिएक्टेंट है वो हमारे इस लेवल पे, लेट्स सपोज ये कोई भी एनर्जी है, 2 किलो जौल, 3 किलो जौल, कोई भी उनकी अपनी एनर्जी है। ठीक है, अब क्या है कि इनको फर्स्ट हमें एनर्जी इनकी ज्यादा करनी पड़ेगी। अब इनकी, इनको हीट प्रोवाइड करके ये किसी भी सोर्स से हम एनर्जी ज्यादा करेंगे एक खास लेवल तक, जो कोरिस्पॉन्डिंग होगी इनकी एक्टिवेशन एनर्जी के। जितनी इनको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, हम इनको एक्टिवेट उस लेवल पर, उस पीक पर पहुंचने के बाद ये आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद इनके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और ये एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहां पर देखिए कि ये जो स्टेट है, हायर एनर्जी देन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस लेवल को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये जो एनर्जी बैरियर है, यानी कि यहाँ रिएक्टेंट और इस लेवल की ये जो एनर्जी हमने दी है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब जब तक हम उसको वो एनर्जी नहीं देंगे, ये आगे इसमें चेंज नहीं होना। अगरचे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी इस केस में कम है, ठीक है, आप देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पर प्रोडक्ट नीचे आ रहा है, रिएक्टेंट ऊपर आ रहा है, इसका मतलब यह है इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी कम है, लेकिन स्टिल स्टार्ट में हमें उसकी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो अपने तनासुब से कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो बैरियर है, ये जो एनर्जी हमें, हमको देनी पड़ी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी। इसको आप एक आसान एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और एक छोटी सी दीवार आती है, ठीक है, आप जिस साइड, इसको यूं देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये आप इस रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, और यहां एक छोटी सी दीवार है, आगे क्या है, रास्ता नीचे है। अब आप देखो आपने जाना किस जगह से, जहां पहले आप मौजूद है वहां से नीचे जाना है। हो सकता है ये ऐसे भी हो सकता है, आपको आगे ऊपर जाना पड़े, लेकिन इन दोनों केसेस में आपको इस बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा। आपके पास जब तक इतनी एनर्जी या इतनी पावर नहीं होगी कि आप यहां से यहां चढ़ के फिर नीचे जाएं, या यहां चढ़ के फिर इधर से आगे जाएं, तो तब तक आप अगले स्टेप पे नहीं जा सकते। सेम द केस इज हेयर, जब तक रिएक्टेंट को वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी, उन्होंने प्रोडक्ट में चेंज नहीं होना। तो आई होप यहां तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब है, ये कैसे हमारे यहाँ यूजफुल है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, फिर इसको एंड करते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखिए मैंने आपसे एक बात कही कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। शुरू में हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है,
अब देखो जैसे ही वो इस लेवल पे जाएगा, यहां जब नीचे आ रहा है तो इसकी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। जैसे ही प्रोडक्ट बना, एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गई। अब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई वो, और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, इनके कंपैरिजन से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। जरा इसको यूं समझिए, देखो हम ये कहते हैं कि हम पहले एनर्जी दे रहे हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब, इट्स ओके, ठीक है। और दूसरा है एनर्जी रिलीज्ड। इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि जैसे ही एक्टिवेटेड स्टेट पे रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, उनका एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगा, अब वो एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगी। अब एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और जो एनर्जी रिलीज हुई है, उनमें से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज ग्रेटर देन एनर्जी एब्जॉर्ब। जब एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो ज्यादा हो और जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो वो क्या हो, कम हो, तो उसको आप क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये उसके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। देखो कि इसका एनर्जी बैरियर देखो कितना है, ये एनर्जी, ये लेवल इसको चाहिए कि ये यहां से यहां जाए। लेकिन आप देखो अगर कि इसने रिलीज कितनी की है यहां तक, ये ज्यादा है ये तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट की एनर्जी कम हुई है। क्यों कम हुई है, कि इन्होंने एनर्जी रिलीज ज्यादा की है, एनर्जी रिलीज ज्यादा की है, तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। अब उम्मीद है कि आपको दूसरी बात क्लियर होगी होगी कि एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, आई होप, ये मुझे उम्मीद है कि अक्सर लोगों को ये बात क्लियर होगी होगी, लेकिन स्टिल अगर नहीं है तो हम इसको यूं देख लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज एनर्जी पैटर्न, इट्स ओके। अब देखो ये हम कहते हैं कि ये लेवल है किसका, रिएक्टेंट का। अब फर्स्ट हम इनको क्या करते हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ये बढ़ेगा बढ़ेगा एक लेवल पे गया। अब अगर ऐसा हो, ये प्रोडक्ट है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। अब अगर आप यहां पे देखें, इस केस में ये जो यहां तक का बैरियर है, ये दिस इज ई ए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब जो हमने उसको दी आर एनर्जी एब्जॉर्ब जो हुई हुई है, और जो रिलीज हुई है वो कितनी है, यहां से यहां तक। तो अब ये क्लियर बात है कि इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो ज्यादा होती है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमें ये बताएगी कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट के मुकाबले में कम, एंड एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मुझे उम्मीद है यहां तक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच।